श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने का विधान माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करता है या फिर जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है और उस व्यक्ति के घर को माँ लक्ष्मी धन दान से भर देती हैं। ऐसे में ही दोस्तों, आप लोगों को शुक्रवार के दिन का ऐसा ही कार्य करना है जिसको करने से आप लोगों को आर्थिक फल की प्राप्ति हो सके और साथ ही साथ आप लोगों को अधिक धन की प्राप्ति हो सके और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो सके। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को यह कार्य अवश्य ही करने चाहिए, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों को शुक्रवार के दिन मात्र सुबह उठकर दो कार्य अवश्य ही करने हैं। दोस्तों, आप लोगों को शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले नित्य स्नान करना है और नित्य स्नान कर आप लोगों को माँ लक्ष्मी की, अगर आपके घर में प्रतिमा है तो उनके आगे आप लोगों को दीपक जलाना है और साथ ही साथ उनके गृह मंदिर में आप लोगों को साफ सफाई अच्छे से करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर शुद्ध और साफ सफाई होती है। दूसरा कार्य दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आपके घर के आसपास आपको कोई भी गाय दिखे या फिर आपके घर में गाय है तो उस गाय को आप लोगों को एक रोटी अवश्य ही खिलानी है, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों ये दो कार्य आप लोग शुक्रवार दिन करते हो तो आपको आर्थिक फल की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।